हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का वीडियो नंबर 7 है। वीडियो नंबर 6 में हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया है कि जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, मतलब कोई इसी नए पर्सन को जब हम पार्टनर बनाते हैं, तो गुडविल की ट्रीटमेंट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड, जब वो गुडविल का अमाउंट प्राइवेट फॉर्म में पे करता है। दूसरा मेथड, जब वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आता है। तीसरा मेथड, जब वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता है। तो हमने देखा था कि पहले केस के अकॉर्डिंग तो हमको जर्नल एंट्री कोई करनी ही नहीं होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो नंबर 7 को डायरेक्ट देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 6 एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद हमारा वीडियो नंबर 7 इसके ऊपर वर्कआउट करना हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। तो वीडियो नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमको क्या देखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2 का। सी को नया पार्टनर हमने बनाया है, उसको हमने 1/4 शेयर दिया है प्रॉफिट्स में। सी गुडविल का 50,000 लेकर आ रहा है, कैपिटल के नाम पे 1,00,000 रुपए लेकर आ रहा है। ये दोनों को दोनों अमाउंट वो कैश में लेकर आ रहा है, क्योंकि ए बी सी तीनों में डिसाइड हुआ है। सी को बोला गया है ये तेरा हिस्सा होगा फ्यूचर का, अब तू फर्म में आ रहा है तो इतना अमाउंट गुडविल के लेकर आ, इतना अमाउंट कैपिटल का लेकर आ, तो डेफिनेटली वो सारा का सारा अमाउंट कैश में ही लेकर आया है। हमको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी है और न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। दो केस हमको इसमें लेकर चलने हैं। ये दोनों केसेस का थियोरटिकल स्टडी हमने पीछे वाले वीडियो में देखा है। पहला केस, अगर अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, मतलब जब गुडविल का अमाउंट फर्म में ही रखा रहेगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर जिस पार्टनर को भी अमाउंट मिलेगा गुडविल का, अगर वो पार्टनर गुडविल का अमाउंट फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस केस के अंदर हमको क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, न्यू रेशो निकाल लेते हैं। तो यहां पे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास नए वाला रेशो गिवन है ही नहीं, तो डेफिनेटली सी को ये वाला पार्ट देने के बाद हमको ये देखना है कि ए और बी का रेशो क्या आने वाला है। तो देखते हैं, सी को हमने 1/4 दे दिया, पूरी फर्म होती है 1, पूरी फर्म में से अगर हम सी को 1/4 दे रहे हैं तो बाकी फर्म कितनी रह गई, 3/4। अब ए को क्या मिलेगा इस 3/4 का, ए डिवाइड कर लेगा 3/5 में। ध्यान से देखिए, पूरी फर्म 1, सी को हमने दे दिया, बाकी का जो हिस्सा रह गया किसका रह गया, ए और बी का। अब ये वाला हिस्सा ए और बी कौन से रेशो में डिवाइड कर लेंगे, 3:2 में। इसलिए 3/4 का ए को कितना मिलेगा, 3/5। ये 3/5 कहां से आया, ये वाला 3/5। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा बचा फर्म का, ये ए और बी 3:5 में डिवाइड कर लेंगे, तो 3/4 का ए को मिलेगा 3/5, जो ए का रेशो है। तो ए के हिस्से में आ गया, बी को कितना मिलेगा, 3/4 का 2/5। फॉर एग्जाम्पल, फर्म के अंदर मान लो 1,00,000 रुपए हैं, फर्म के अंदर 1,00,000 रुपए हैं। सी को मैंने बोल दिया कि तू 10,000 ले जा, सी 10,000 ले गया, बाकी कितने रह गए, 90,000। अब 90,000 के ए और बी किस रेशो में डिवाइड कर लेंगे, 3:2 रेशो में। ए के हिस्से में मान लो आ गए 50,000, बी के हिस्से में मान लो आ गए 40,000। तो वैसे ही तो हमने किया, सी को देने के बाद जितना हिस्सा बचा ए और बी ने अपने रेशो में डिवाइड कर लिया। वही बात मैं आपको 90,000 के अमाउंट के ऊपर बोल रहा हूं कि 90,000 का जब अमाउंट बचेगा तो ए और बी क्या करेंगे, अपने रेशो में डिवाइड कर लेंगे। यहां पर भी तो वही हुआ ना, फर्म के पास जो बाकी बचा ए और बी ने अपने अपने रेशो में डिवाइड कर लिया, 90,000 का 3/5 इसका, 90,000 का 2/5 बी का। ठीक है, तो ये हो गया ए का नया रेशो, ये हो गया बी का नया रेशो, सी का रेशो हमको पता ही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, तीनों का, ए बी सी का तीनों का रेशो निकाल लेते हैं। ए का कितना आ गया, 9/20, बी का 6/20, सी का हमने दिया ही है 1/4। तो नीचे देखो हमारे पास 20/20, यहां पर भी हमको क्या करना है, 20 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई 5, ऊपर भी मल्टीप्लाई 5,
तो अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, तो नीचे से हम 20 को रिमूव कर देते हैं। अब क्या रह जाएगा, ध्यान से देखिए, 9, 6 और 5 रह जाएगा। तो अल्टीमेटली इन तीनों पार्टनर्स का नया रेशो क्या आ गया, ए बी सी तीनों का जो नया रेशो है वो हो गया 9, 6, 5। अब एक काम और करते हैं, अपन इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइस रेशो और निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशो निकालने का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो हमारे पास ये रहा, ये हुआ ओल्ड रेशो, ये हमारे पास आ गया न्यू रेशो। तो आप क्या करना, सेक्रीफाइस रेशो निकाल कर देखना, वीडियो को एक बारी होल्ड कीजिए, सेक्रीफाइस रेशो निकाल कर देखिए, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो आप माइनस करके देखना, आपको पता चलेगा कि ए ने सेक्रीफाइस किया है इतना, बी ने सेक्रीफाइस किया है 2/5। ए का सेक्रीफाइस रेशो आएगा 3/5, बी का सेक्रीफाइस आएगा 2/5, जो कि उनका ओल्ड रेशो भी था। ए और बी का ओल्ड रेशो क्या था, 3/5 2/5। आप जब सेक्रीफाइस रेशो निकालोगे तो ये भी यही आने वाला है, ए का आएगा 3/5, बी का आएगा 2/5। ये 3/5 और 2/5 ही क्यों आ रहा है जबकि ओल्ड रेशो भी वही था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमारे पास पुराना रेशो दिया है, नए वाले पार्टनर को हमने हिस्सा दे दिया, सिर्फ इतनी सी बात बोली, नया वाला रेशो हमको क्वेश्चन में पता नहीं है, बाकी वाला हिस्सा ए और बी का कितना होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर बाय डिफॉल्ट आप जब भी चेक करोगे तो पुराने वाले पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशो वही आने वाला है जो इनका ओल्ड रेशो होगा। क्योंकि ध्यान से देखिए, इसको देने के बाद ए और बी ने बाकी का बचा हुआ फर्म का हिस्सा कौन से रेशो में डिवाइड किया है, ओल्ड रेशो में, तो डेफिनेटली इन्होंने सेक्रीफाइस भी इसी रेशो में किया होगा। तो आप इस क्वेश्चन में एक बारी चाहे तो सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करके देख सकते हैं, वो आपको यही मिलेगा जब आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दोगे। ओल्ड रेशो ये रहा, न्यू रेशो हमारा ये रहा, ओल्ड में से जब आप न्यू रेशो माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए ने सेक्रीफाइस किया है 3/5 और बी ने सेक्रीफाइस किया है 2/5। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले न्यू रेशो फाइंड आउट करना था, हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो भी आ गया है और हमको सेक्रीफाइस रेशो भी पता चल गया है। सेक्रीफाइस रेशो का काम क्या होगा, सेक्रीफाइस रेशो हमारा काम आने वाला है गुडविल के टाइम पर। सेक्रीफाइस रेशो है ए और बी का 3/2, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखकर छोड़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर अब पहला केस डिस्कस करते हैं, अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। अब सबसे पहले हम सी, जो कैपिटल का पैसा लेकर आया और जो गुडविल का पैसा लेकर आया है, हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए, मान लो वो कैश में पैसा लेकर आया है तो कैश अकाउंट, अदरवाइज आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। कितना अमाउंट लेकर आया है, 1,00,000 + 50,000, 1.5 लाख रुपए लेकर आया, आप 1.5 लाख से क्या कीजिए, एंट्री कर दीजिए, ठीक है। अब इस 1.5 लाख में से आप ये देखिए कि कैपिटल का पैसा कितना है, कैपिटल का पैसा है 1 लाख, तो आप लिख दीजिए कैपिटल कौन लेकर आया है, सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना लेकर आया है, 1 लाख। प्रीमियम का पैसा कितना लाया है, 50,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 50,000, ठीक है, 1.5 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, 50,000 भी क्रेडिट। अब प्रीमियम का पैसा क्या होगा, उन पार्टनर्स में बटेगा जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। अब यहां पे क्वेश्चन में दोनों के दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, किस रेशो में किया है, 3:2, तो आप इस 50,000 को ए और बी में 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाला अमाउंट, ये वाला अकाउंट इसी अमाउंट से अब डेबिट हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, 50,000 को सेक्रीफाइस रेशो में अब डिवाइड कर दो, इसके पास आ जाएगा 50,000
सॉरी 30,000 और इसके पास आ जाएगा 20,000। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 50,000 के देखो टोटल पांच हिस्से हैं, पांच और कितने हिस्से करने हैं हमने, 10, 10 या 30 और 20। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 50,000 को 3:2 में डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 30,000 और 20,000। ये कौन से रेशो में प्रीमियम बटा है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये अमाउंट हमने बांटा है सेक्रीफाइस रेशो में, क्योंकि जो भी अमाउंट वो गुडविल का लेकर आएगा सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशो में ही मिल जाता है। ठीक है, तो इस केस के अकॉर्डिंग, पहले केस के अकॉर्डिंग क्या किया है फर्म ने, गुडविल का पैसा फर्म में रखा रहा है। तो देखो यहां तक कि दो जनरल एंट्री यही बताती है कि प्रीमियम का पैसा आया, प्रीमियम का पैसा दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में चला गया। अब ये कैपिटल कहां पे रखी होती है, फर्म में रखी होती है। तो पहली केस के अकॉर्डिंग ये पैसा फर्म में अभी तक रखा हुआ है, इन्होंने नहीं निकाला है। तो पहले केस के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ दो ही जर्नल एंट्री करनी होती है, अमाउंट लाने की देन प्रीमियम डिवाइड करने की। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस के अंदर पार्टनर्स कह रहे हैं कि विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, प्रीमियम का पैसा पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे। तो इस केस के अंदर, सेकंड केस के अंदर हमको क्या करना है, सेकंड केस के अकॉर्डिंग भी सबसे पहले जनरल एंट्री हमको यही करनी है, दूसरी जनरल एंट्री हमको प्रीमियम डिवाइड करने की करनी है, फिर हमको तीसरी जनरल एंट्री करनी होगी किस चीज की, अमाउंट विड्रॉ करने की। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस केस के अकॉर्डिंग पहली जनरल एंट्री यही होने वाली है, सो सेकंड जनरल एंट्री भी यही होने वाली है, बस थर्ड एंट्री हमको एक और करनी होगी अमाउंट को विड्रॉ करने की। जब वो अमाउंट को विड्रॉ करेंगे, अमाउंट को जब वो फर्म से निकाल लेंगे, तो हमको क्या जनरल एंट्री करनी है, उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। तो दोनों पार्टनर्स ने निकाल लिया मान लो, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसने 30,000 निकाल लिए, इसने 20,000 निकाल लिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जब फर्म से प्रीमियम का पैसा पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं तो एक जनरल एंट्री हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है, ये वाली एंट्री तो होगी होगी, पहली भी होगी, दूसरी भी होगी, फिर तीसरी ये हो जाएगी। तो सेकंड केस के अंदर हमको क्या करना होता है, तीन जनरल एंट्री करनी होती है प्लस ये तीसरी और हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा वेरिएशन और कर देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोल दिया जाए, सेकेंड केस मान लो ये बोल दिया जाए, 50% अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। मान लो पार्टनर्स ने सिर्फ प्रीमियम का 50% अमाउंट ही विड्रॉ किया है, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, कितना कितना डिवाइड हुआ था, 30-20, इसका अगर वो 50% निकाल लें तो 50% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना लेके जाएगा, 15,000, 30,000 का आधा ले जाएगा, ये कितना ले जाएगा, 20,000 का 10,000 आप। तो अल्टीमेटली दोनों ने क्या किया, 25,000 पे निकाल लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अगर कुछ नहीं कहा है, आपको उसने अगर ये बोल दिया कि अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है, तो आप समझ लेना कि पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ किया है। सेकंड केस अगर वो कह दे कि उन्होंने 50% अमाउंट विड्रॉ किया है, तो 50% को विड्रॉ करने की एंट्री कर देना। अगर वो बोल दे कि 70% अमाउंट विड्रॉ किया है, तो 70% की विड्रॉ की एंट्री कर देना। तो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है। तो ये हमारा वीडियो नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से कुछ डिफरेंट सा केस स्टडी करेंगे इसी टॉपिक को लेकर। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।